वाले इतना परेशान है कि मेरी बहन की शादी है। और एक बात का दुख है कि आप लोग हमें पहले सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो दोस्तों इस बात का हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। करने में ना आपके पैसे लगते ना कुछ, तो आप हमें सब्सक्राइब कर दिया करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल बचपन की ज़िंदगी। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे। आप जहाँ भी हैं हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल बचपन की ज़िंदगी में खुश आमदीद। आप सब कैसे हैं? देखिए दोस्तों, आज मेरे साथ वीडियो में खाली अलिशबा है, तो आज हम दोनों ही व्लॉग बना रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा व्लॉग पसंद आए। पता है कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है कि मेरी बहन की शादी ईद के बाद, तो ईद तो देखिए गुजर चुकी है और अब मेरी बहन की शादी में खाली 28 दिन बाकी रह गए। और आपको पता है लड़की की शादी में कितनी मसरूफियत होती है, कितनी शॉपिंग करनी पड़ती है और कितना खर्चा होता है, आपको तो मालूम हो गई क्योंकि आपने भी अपने बच्चों की शादी की होगी। और मैं आपसे बात करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी और आपको दावत दूँगी कि आपको मेरे जितने भी फ्रेंड्स, अंकल आंटी, व्यूवर्स, जितने भी मतलब सब एक ही हैं, लेकिन मैं नाम लेके बोलूँगी कि आपने लाजमी मेरी बहन की शादी में आना है। मैं इनविटेशन कार्ड तो आपके घर नहीं पहुँचा सकती क्योंकि मुझे घर नहीं पता, खाली किरण आपके का घर पता है, और लेकिन अब मुझे ये तो नहीं पता किस एरिया में, तो मैं उधर भी नहीं जा सकती। और किरण आपी को मैंने अपने घर का भी पता दे दिया है, दोबारा दे देती हूँ। तो किरण आपी आपको भी लाजमी आना है और आप भी आंटी, जितने भी मतलब मेरे चाहने वाले हैं उन सबको लाजमी मेरी बहन की शादी में आना है। और दोस्तों आपको पता है बेटियों की शादी में खर्चा कितना होता है और शॉपिंगें कितनी होती हैं, इतना सामान आता है। जैसे बर्तन में हिसाब लगाती हूँ, चप्पल, बर्तन, कपड़े और ये अपने क्या लिहाफ, बेडशीट, तकिए, अस्तर वगैरह, मतलब बहुत सी चीज़ें आती हैं जो अभी हमारा हम कुछ भी नहीं लाए। खाली बेडशीट मेरी अम्मी लाई थी और परस, कपड़े वगैरह, ये तो छोटी छोटी चीज़ें तो आ गई हैं, लेकिन मतलब अभी अम्मी लोग अभी से थक गए हैं। और हालांकि आपको पता है अभी आधी भी शॉपिंग नहीं हुई है। मेरी अम्मी और हम घर वाले इतना परेशान हैं कि मेरी बहन की शादी है और अभी तक शॉपिंग नहीं हुई है, 28 दिन बाकी रह गए हैं। आप बताएं 28 दिन में क्या होता है, लेकिन हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी बहन की शादी खैर खैरियत से। हम क्या, हमारी पूरी यूट्यूब टीम बहुत ज़्यादा खुश है और वो इसलिए खुश है, आपको तो पता नहीं होगा, तो आप पहले हमारी वीडियो देखें फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम क्यों खुश हैं। और इसके लिए आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ये नहीं कि चलो भाई थोड़ी सी वीडियो देख ली और बाद में देख लेंगे या चलो ऐसी मतलब छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारी पूरी वीडियो देखें और हमें अच्छे अच्छे कमेंट करें। आप हमें कमेंट करते हैं तो हमारी दिलजोई होती है, हम बहुत खुश होते हैं आपके कमेंट पढ़ के। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ 200 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं, 200 वीडियो ही नहीं 2020 सब्सक्राइबर भी मुकम्मल हो चुके हैं। तो दोस्तों इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे 2020 सब्सक्राइबर और 200 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। ये आप सबकी दुआओं की वजह से हुआ है, तो आप हमें ऐसी दुआएं दें और हमें सपोर्ट करें ताकि हमारा चैनल आगे मतलब हमारा चैनल ग्रो जाए। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हमारी पुरानी वीडियो देखने वाले, हमारे पुराने चाहने वाले हैं, वो तो हमारी वीडियो देखते, उम्मीद करती हूँ उन्होंने हमारी पुरानी वीडियो भी देखी होंगी। और ये जो अभी मतलब हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगी, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो वो हमारे चैनल पर जाकर हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं और उन्हें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे हमारी वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। कर नहीं सकते, आपको ज़रूर करना है। मैं और दोस्तों आपको पता है आज किरण आपी की वॉइस आई थी मेरे पास, तो मैंने उनका जवाब नहीं दिया, मैं इसमें जवाब दे देती हूँ। किरण आपी, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती हूँ इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाती, और रहता और मैंने उसका जवाब नहीं दिया क्योंकि हमें वीडियो बनाने में मसरूफ़। दोस्तों देखिए मैं आपसे एक बात करना तो भूल ही गई कि आप हमारी वीडियो देखते हैं और मैं उम्मीद करूँगी कि आप हमारी वीडियो आगे भी इसी तरह देखते रहेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक बात का दुख है कि आप लोग हमें पहले सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो दोस्तों इस बात का हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो प्लीज़ आप ऐसा नहीं कीजिए, आपसे एक बात बोलूँगी कि आप हमें सब्सक्राइब करें, मैंने आपके पैसे लगते ना कुछ, तो आप हमें सब्सक्राइब कर दिया करें जिससे हमारी दिलजोई और हमें बहुत ज़्यादा खुशी। इतने दिनों से आपको नहीं मिलवाया तो हम इनसे मिलवाते। ये देखिए ये हमारे, ये इसमें खाली फूल उगते हैं, ये वो वाला दरख्त है जिसमें अभी इसमें फूल नहीं है, है ना लिशबा जी? अभी एक वोरा और एक वोरा कायम, हमें को क्यों नहीं दिख रहे? ओ ये दिख रहा है, ये रहा देखिए, ये रहा
ये एक केरा ही देखें और एक का है ये रहा, ये रहा, ये रहा, दिख गया, दिख गया, ये रे दो, ये रे दो, ये रे एक और ये दो। तो अलीशबा चले, चलो हम उधर चलते हैं प्लाट में। हमने इस पेड़ से तो दोस्त आपको मिलवा दिया है। अब इतने दिनों से हमने आपको अपनी बेरी का पेड़ भी नहीं दिखाया, तो आइए हम बेरी का पेड़ दिखाएंगे आपको, उनसे मिलवाएंगे, थोड़ी बातें करवाएंगे और अपनी दुम्बा और दुम्बी से भी देखेंगे कि उनके क्या हाल है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे बेरी का दरख्त है। देखिए माशाल्लाह इसमें पत्ते आ चुके हैं और बेर अगले साल लगेंगे, जो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, जैसे हमने इस बार आपके साथ अपने बेर शेयर करे थे। देखिए माशाल्लाह इसमें पहले गंजे हो गए थे, लेकिन अब इनके बाल दोबारा आ गए हैं। और ये देखेंगे हमारा दुम्बा और ये दुम्बी, ये देखें हमने इनको गंजा करवाया था, लेकिन और ये देखें हमें ये बिल्ली, इन्हें हमने गंजा कराया था और आपको भी दिखाया था। देखें माशाल्लाह इनके भी रुई आ गई हैं, मतलब बाल ये रुई की तरह है। और ये देखें ये दुम्बी है, जिसे हम ज़िबा करने वाले थे 11वीं शरीफ के लिए, लेकिन देखें बीमार हो रही हैं, आप खुद देख सकते हैं, इसलिए हमने इन्हें ज़िबा नहीं किया। शायद अब हम इनको बकरा ईद पर ज़िबा करें। चलो लिजवा दोस्तों, हमने अपने दोनों बेरी के और नीम के दरख्त दिखा दिए हैं। हमने नीम का नहीं हो, फूलों वाला दरख्त है। दुम्बों को भी दिखा दिए, चले अब हम सेन में चलते हैं। ज़्यादा लेने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो आगे शेयर कर दीजिए। आपको पता है मैं किसकी तरह बोल रही हूँ, किरण आपी हैं, वो वीडियो बनाती हैं और मुझे आप सबकी वीडियो बहुत पसंद आती है और मैं वीडियो देखती हूँ, इसलिए मैंने किरण आपी के अल्फाज बोले, क्योंकि मुझे इनकी वीडियो पसंद आती है। तो इसी बात पर आप हमें इजाज़त दीजिए, अब हम मिलेंगे अगले व्लॉग में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और हमारी वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा।